अब यहाँ पे हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। उसमें मैंने एक मिर्च लिया है, हरी मिर्च एक ही लिया है, क्योंकि अभी लाल मिर्च भी पड़ेगा उसमें, और अगर नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे खाएंगे नहीं। हम अपने लिए मिर्ची फ्राई करेंगे अलग से, और लहसुन है, प्याज है, और थोड़ा सा जीरा है। जीरा डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटर भी तैयार हो गया है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आलू मटर एकदम अच्छे से पक गया है मेरा। मेरा मसाला भी तैयार हो गया, एकदम एकदम बारीक नहीं पीसना है हमको, थोड़ा दरबरा टाइप का रहना है, एकदम बारीक रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है, और अब हमने लिया है जीरा और राई, एक साथ में मैंने डाल दिया है। मैंने डाल दिया है जो मैंने मसाला रेडी किया था, इसको भून लेते हैं अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे टमाटर, और अब टमाटर को अच्छे से सब पका लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये देखिए टमाटर हमारा अभी पक रहा है। इसको अच्छे से एकदम पका लेते हैं। कितना अच्छा कलर आया है मसाले का, देखिए कितना अच्छा मसाला लग रहा है मेरा। मेरी बेटी को बोल रही जल्दी बनाओ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, असली में और अच्छा लग रहा है मोबाइल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। यहाँ हमारा टमाटर भी एकदम अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा मटर, और हम इसमें डाल देते हैं अपना मटर। कितना जोर से बोलूँ, इतना जोर से भी अच्छा है। हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि इसको पकना भी है, अभी बहुत टाइम लगेगा पकने के लिए। तो हमने डाल दिया है इसमें पानी, और अभी इसको बहुत पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमारा सब्जी बन के तैयार हो गया है, और अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया। बहुत ही अच्छा कलर आया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशबू भी तो जबरदस्त आ रही है एकदम। देखिए दोस्तों कितना गजब का बना है। मोबाइल से अच्छा तो ये सामने से देखने में लग रहा है, मैं और पास से दिखाती हूँ, क्योंकि लाइट डायरेक्ट मोबाइल पे ही आ रही है, इसके वजह से शायद अच्छा नहीं दिख पा रहा। देखिए अभी कितना खूबसूरत कलर आया है। लिया है मैंने मैदा, और उसमें अब डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, डालेंगे नमक, और इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो ये सब्जी के साथ खाने के लिए हम बना रहे हैं मैदे की पूड़ी। तो इसके साथ में मैदे की पूड़ी बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी गजब आता है। तो इसको अच्छे से खूब मोयन दे लेते हैं, और अच्छे से, ताकि
हमारी पूरी बहुत अच्छी बने, कुरकुरी बहुत अच्छा लगता है ये पूरी खाने में। मैदे की पूरी सबको बहुत पसंद आती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के हमको कूटते रहना है आटे को। और आटा मेरा देखिए तैयार हो गया, और इसको मैंने अभी तेल लगाया है इसमें, और तेल से थोड़ा सा गूंथ लेते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद में हम पूरियां बनाएंगे, और अब बना लेते हैं हम यहाँ पे पूरी। आप लोग को लग रहा होगा इतनी मोटी पूरी, तो नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अब ये पूरी कैसे बनेगी वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये मेरी पूरी बन के तैयार हो गई है। मेरा बेटा बोल रहा है, ये पूरी बना रही हो कि पूड़ा बना रही हो? तो अब हम इसको ग्लास से कट कर लेंगे। यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो गया है कढ़ाई में। मेरी फूली फूली पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं एकदम। लाल लाल पूरी हो गई, पूरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और देखिए मेरी पूरी और ये सब्जी, हरी मिर्च और प्याज। तो ये रही मेरी पूरी सब्जी की थाली। और ये रेसिपी कैसी लगी आप लोग को, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों कितना गजब का बना है, और ये पूरी इतनी छोटी छोटी है कि एक ही बार में सब्जी से लगाओ और मुंह में गप ना। ईशा बड़ी पूरी अच्छी है, बड़ी पूरी मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं छोटी छोटी पूरी बना रही हूँ। मेरा बेटा पहली बार मुझे बनाते हुए देख रहा था तो बोल रहा है, मम्मी ये पूरी बना रही हूँ कि पूड़ा? लेकिन बनाती हूँ तो वो लोग देखते नहीं है, आज वो देख रहा था। अब बच्चों को दे देती हूँ मैं खाने के लिए। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी? और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया लगता है कुछ ये बनाने में। तो जब खाना खा करके ये रोज़ का दाल चावल रोटी सब्जी बोर हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, और नया रहता है तो थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो अभी तक मेरी दिवाली की सफाई भी नहीं हुई है, किसके किसके घर हो गई है भैया सब लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे घर का तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आई हूँ 6:30 आई हूँ मैं घर पर, 6:15 पे तो मेरा लॉग आउट ही होता है। और अभी पूरा घर एकदम साफ करना है पूरा, अभी कब करूँगी मुझे पता नहीं, क्योंकि कल गुरुवार है, गुरुवार को साफ हम करते नहीं हैं घर, तो झाला वगैरह मारते नहीं है गुरुवार के दिन। तो थोड़ा बहुत हो गया, टीवी यूनिट वगैरह हो गया है मेरा साफ। और अभी मंदिर है, मंदिर मेन है, मंदिर देखती हूँ। कल गुरुवार को तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा 2 दिन वीक ऑफ है, थर्सडे फ्राइडे। तो वीक ऑफ भी ऐसा दिन है कि पूछिए मत, गुरुवार को कुछ नहीं हो सकता है, जो होगा वो फ्राइडे को ही होगा। फ्राइडे को ही धनतेरस है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। आज देखती हूँ रात में कुछ ना कुछ तो करना ही है मुझे, किचन सोच रही हूँ साफ़ कर दूं। मैंने सोचा था बुलाऊंगी बाहर से साफ़ करने के लिए, लेकिन फिर कब वो आए, वो लोग आएंगे कब साफ़ करेंगे, कल वो लोग आएंगे ही नहीं, और परसों आएंगे तो परसों धनतेरस है तो बहुत काम रहेगा, तो मैं आज ही सब क्लीन कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।